आईपीएल सीजन 13 का यहाँ पर 29वां मुकाबला दुबई के स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहाँ पर सीएसके की टीम ने लक्ष्य दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को 168 रनों का। आज ऐसा लग रहा है कि सीएसके की टीम कुछ ठान कर आई थी और उन्होंने कुछ कर दिखाया। खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जब अजीबोगरीब बोल्ड फैसले लेते हैं तो बड़ा कम देखने को मिलता है। जब सैम करन को उन्होंने आज ओपनिंग करने के लिए भेजा तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि आखिरकार क्यों ये सबसे डेंजरस है कप्तानी के मामले में। सीएसके की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है धोनी की बल्लेबाजी ने। भले उन्होंने एक छोटी पारी खेली 12 गेंदों में 21 रनों की, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आखिरकार क्यों वो सबसे डेंजरस बैट्समैन में से एक है। दरअसल आपको बता दें कि 19वें ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्ग ऑन पर ऐसा ताबड़तोड़ छक्का जड़ा कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल धोनी पहले के मुकाबले आज ज्यादा अच्छी लय में दिख रहे थे। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्कों से सजी अपनी पारी में 22 रन बनाए, और ये पारी इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि अंत में सीएसके की टीम को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत थी, और कुछ वैसा ही एमएस धोनी ने करके दिखा दिया। उनका छक्का इतना लंबा था 100 मीटर से ऊपर कि हर कोई उस छक्के को देखकर बस यही कह सकता था कि वाह माही, एक बार फिर आप लय में लौट आए। और आज हर कोई कह रहा था कि माही मार रहा है, और माही ने मार के दिखा भी दिया। 170 के आसपास का लक्ष्य आज दुबई के स्टेडियम में बड़ा जरूर है। हैदराबाद की टीम की अगर विकेटें निकाल दी सीएसके ने तो आज ये लक्ष्य सीएसके की टीम आसानी से डिफेंड कर पाएगी।